तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस दमदार वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं फार्माटेक की तरफ से आने वाला 45 अल्ट्रा मैक्स, जो कि फोर व्हील ड्राइव में आने वाला एक दमदार ट्रैक्टर है। कंपनी ने इसमें भारी बदलाव किए हैं, वो भी जानकारी हम आपको वीडियो में देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं फार्माटेक की तरफ से आने वाला अल्ट्रा मैक्स। जो सबसे पहले ट्रैक्टर के लुक की बात करते हैं तो काफी दमदार हमको यहाँ पे ट्रैक्टर का लुक मिल जाता है। सामने का एक्सल भी ट्रैक्टर में हमको सीधा मिल जाता है और सामने कंपनी फिटेड हेवी ड्यूटी यहाँ पे वेट इस ट्रैक्टर में मिल जाता है। वहाँ जो ट्रैक्टर का लुक है काफी दमदार, सामने हमको फोर स्ट्रोक यहाँ पे चार लाइट मिल जाती है, साथ में फार्माटेक और 45 UM अल्ट्रा मैक्स की बीचिंग भी इस ट्रैक्टर में मिल जाती है। वही साइड में बात करते हैं तो यहाँ भी हमको 45 अल्ट्रा मैक्स के साथ 4x4 की बीचिंग और यहाँ पे फार्माटेक की शानदार बीचिंग इस ट्रैक्टर में मिल जाती है। आगे खुलते हैं ट्रैक्टर का बोनट और आपको दिखाते हैं दमदार ट्रैक्टर का दमदार इंजन। सिंगल पीस सामने की ओर से खुलने वाला ट्रैक्टर का बोनट मिल जाता है। बोनट में हमको डबल हाइड्रोलिक रॉड मिल जाती है जो कि बोनट को ऊपर की ओर उठाए रखती है। सामने की तरफ ड्राई टाइप का यहाँ पे एयर फिल्टर मिल जाता है ड्यूअल एलिमेंट वाला। पहले फार्माटेक के ट्रैक्टरों में हमको वेट टाइप का एयर फिल्टर मिलता था, इस ट्रैक्टर में हमको ड्राई टाइप का ड्यूअल एलिमेंट वाला यहाँ पे चोक सेंसर के साथ एयर फिल्टर मिल जाता है। वही जो ट्रैक्टर की बैटरी है वो भी हमको यहाँ पे सामने सुरक्षित लगी मिल जाती है। अन्य फार्माटेक के ट्रैक्टर में हमको साइड में बैटरी मिलती है, इस ट्रैक्टर में हमको सामने बैटरी मिल जा रही है। साथ में जो ट्रैक्टर का रेडिएटर है वो भी हमको काफी बड़ा इस ट्रैक्टर में मिल जाता है वाटर कूलेंट टेक्नोलॉजी के साथ। साथ में आपके स्टीयरिंग के लिए सेपरेट ऑयल टैंक भी इस ट्रैक्टर में मिल जाता है। वही दमदार ट्रैक्टर के इंजन की बात करते तो इस ट्रैक्टर में हमको 48 HP का 2000 इंजन रेटेड RPM पे वर्क करने वाला 3 सिलेंडर का दमदार इंजन मिल जाता है। 3 सिलेंडर वाले इंजन के साथ हमको यहाँ पे बॉस का फ्यूल इनलाइन पंप भी मिल जा रहा है। साथ में हमको यहाँ पे सिंगल डीजल फिल्टर और वाटर सेपरेटर भी इस ट्रैक्टर में मिल जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे हमको 36 एम्पियर का अल्टरनेटर मिल जा रहा है, साथ में डुअल मोटर मिल जा रही है हाइड्रोलिक पावर और स्टीयरिंग पावर को इनहेंस करने के लिए, जो कि काफी शानदार परफॉर्मेंस करती है। जो लोग यहाँ पे बैतूल और बैतूल के आसपास के क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं वो फार्माटेक ट्रैक्टर के लिए ओम मोटर्स परतवाड़ा रोड बैतूल में स्थित है, यहाँ पे आके ट्रैक्टर की जानकारी ले सकते हैं। दमदार ट्रैक्टर में आगे बात करते हैं ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन की और ट्रैक्टर के गियर बॉक्स की। उससे पहले यहाँ पे ट्रैक्टर पे चढ़ने के लिए मजबूत फुट स्टेपर मिल जाता है इस ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर का प्लेटफॉर्म देख सकते हो, काफी बड़ा और खुला प्लेटफॉर्म इस ट्रैक्टर में मिल जाता है। ट्रैक्टर की ट्रांसमिशन की बात करते तो इस ट्रैक्टर में हमको सिंक्रोमस साइड शिफ्टर टाइप का यहाँ पे ट्रांसमिशन मिल जाता है, जिसके कारण प्लेटफॉर्म काफी खुला है। ट्रैक्टर की सीट भी हमको एडजस्टेबल मिल जाती है, जिसको हमारी आवश्यकता के अनुसार आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। आगे चढ़ते हैं ट्रैक्टर पर और देखते हैं इसकी लीवर पोजीशन के बारे में। सीट के राइट साइड में हमको यहाँ मेन लीवर मिल जाता है, जिसमें हमको 4 गियर के ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ में ट्रैक्टर में चलने वाले इक्विपमेंट को एडजस्ट करने के लिए ड्राफ्ट एंड पोजीशन कंट्रोल भी हमको यहाँ पे साइड में मिल जाता है। साथ में जो इसका पार्किंग ब्रेक है तो वो भी हमको कार जैसा पार्किंग ब्रेक राइट साइड में मिल जाता है। इस ट्रैक्टर में हमको डिफरेंशियल लॉक की सुविधा भी मिल जाती है राइट साइड में नीचे की ओर। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं इस ट्रैक्टर में तो हमको यहाँ पे हाई लो का लीवर मिल जा रहा है, साथ में शटल शिफ्ट गियर रिवर्स फॉरवर्ड का ऑप्शन भी इस ट्रैक्टर में मिल जाता है। इस प्रकार इस ट्रैक्टर में हमको कुल 8 फॉरवर्ड और 8 रिवर्स गियर की सुविधा मिल जाती है। साथ में जो फोर व्हील का लीवर है वो भी हमको यहाँ पे नीचे की ओर मिल जाता है। साथ में हमारा यहाँ पे PTO क्लच मिल जा रहा है इंडिपेंडेंट, और डबल PTO इस ट्रैक्टर में मिल जाता है, इसको 540 और 540 इकोनॉमी पे हम यहाँ पे चला सकते हैं। दमदार ट्रैक्टर के क्लच की बात करते हैं तो इस ट्रैक्टर में हमको डबल क्लच मिल जाते हैं, ट्रैक्टर पे वर्क करने के लिए अलग क्लच और यहाँ पे PTO के लिए अलग क्लच इस ट्रैक्टर में मिल जाता है। वहीं दमदार ट्रैक्टर के ब्रेक की बात करते हैं तो इस ट्रैक्टर में हमको मल्टी डिस्क ऑयल ब्रेक मिल जाते हैं, जो कि शानदार परफॉर्मेंस करने के लिए जाने जाते हैं। साथ में हमको यहाँ पे ट्रैक्टर की फुटरेस्ट मिल जाती है। आगे ट्रैक्टर के स्टीयरिंग की बात करते तो इस ट्रैक्टर में हमको युवा में प्रचलित नोब टाइप की ट्रैक्टर की स्टीयरिंग मिल जाती है, और ट्रैक्टर की स्टीयरिंग शानदार सिंगल एक्टिंग बैलेंस टाइप की पावर स्टीयरिंग इस ट्रैक्टर में मिल जाती है। वहीं स्टीयरिंग के नीचे हमको यहाँ पे हैंडरेस्ट मिल जाती है, और ट्रैक्टर का क्लस्टर भी हमको एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इस ट्रैक्टर में मिल जाता है। साथ में ट्रैक्टर के हॉर्न और इंडिकेटर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्विच हमको मिल जाते हैं। वहीं दमदार ट्रैक्टर के अगर हम फ्यूल टैंक की बात करते तो इस ट्रैक्टर में हमको 60 लीटर कैपेसिटी का बड़ा फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि फाइबर का फ्यूल टैंक इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाता है। साथ में सीट के नीचे हमको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लॉक की सुविधा भी मिल जाती है, और उसके साथ इस ट्रैक्टर में हमको केयर बटन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसको यहाँ पे प्रेस करने से डायरेक्ट कंपनी को कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे हमारी जो भी समस्या हो कंपनी को बता सकते हैं। दमदार ट्रैक्टर में आगे बात करते हैं ट्रैक्टर के पीछे के भाग की, ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी की और PTO पावर की। तो सबसे पहले ट्रैक्टर का जो हीज है हमको एडजस्टेबल मिल जा रहा है हमारे इक्विपमेंट के हिसाब से, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। वही ट्रैक्टर के अगर हम लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो इस ट्रैक्टर में हमको 1600 kg की दमदार लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जा रही है। साथ में ऑटो ड्राफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल वाला हमको 3 पॉइंट लिंकेज मिल जा रहा है।
साथ में हमको यहाँ पे डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल मिल जा रहा है, जिसकी सहायता से हम पल्टी प्लाव जैसे बड़े संयंत्र इस ट्रैक्टर में बड़ी आसानी से चला सकते हैं। हमारा ऑक्सिलरी वॉल यहाँ मिल जाता है, जिसको सीट पे से आसानी से हम ऑपरेट कर सकते हैं। सीट के पीछे रिफ्लेक्टर मिल जाता है, साथ में एक बॉटल कैरी भी इस ट्रैक्टर में मिल जा रही है। और इंडिकेटर लगाना है ट्राली में या फिर पीछे लाइट वगैरह लगाना है तो उसके लिए भी हमको यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाता है। भाई दमदार ट्रैक्टर की पीटीओ पावर की बात करते हैं तो इस ट्रैक्टर में हमको यहाँ पे 40 एचपी की दमदार पीटीओ पावर मिल जाती है। यहाँ पे डबल पीटीओ इस ट्रैक्टर में मिल जाता है, जिसका लीवर भी हमने आपको दिखाया, जिसको हम डबल पीटीओ इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच के साथ इस ट्रैक्टर में मिल जाता है। साथ में ट्रैक्टर में हमको रात वगैरह में काम करने के लिए शानदार लाइट मिल जाती है बड़ी सी, और इसके टेल लैंप काफी सुंदर इस ट्रैक्टर में मिल जाते हैं। दमदार ट्रैक्टर के टायर साइज की बात करते हैं तो इस ट्रैक्टर में जो पीछे के टायर है, इस ट्रैक्टर में हमको 14 और 28 के पीछे के टायर मिल जाते हैं। एमआरएफ के और टायर और फेंडर के बीच में काफी गैप इस ट्रैक्टर में मिल जाता है। वही ट्रैक्टर के आगे के टायर की बात करते हैं तो इस ट्रैक्टर में हमको 8-3-20 के ट्रैक्टर के आगे के टायर मिल जाते हैं। आगे ट्रैक्टर के डायमेंशन की बात करते हैं तो इस ट्रैक्टर को हमको कुल 2200 केजी का दमदार वजन मिल जाता है। साथ में हमको ट्रैक्टर की लंबाई 3270 mm, लगभग 11 फीट की ट्रैक्टर की लंबाई मिल जाती है। और वही ट्रैक्टर की चौड़ाई की बात करते हैं तो इस ट्रैक्टर में हमको 1810 mm, लगभग 6 फीट की ट्रैक्टर की चौड़ाई मिल जाती है। और ट्रैक्टर का ग्राउंड क्लियरेंस जो है तो अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा हमको इस ट्रैक्टर का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, क्योंकि 460 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस ट्रैक्टर में हमको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये था फार्माटेक की तरफ से आने वाला अल्ट्रा मैक्स फोर व्हील ड्राइव के साथ आने वाला दमदार ट्रैक्टर। इसके बारे में आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।